इंडिया और पाकिस्तान के बाद अगर वर्ल्ड क्रिकेट को किसी सीरीज का बेसब्री से इंतजार रहता है तो वो है द एशेस ट्रॉफी का। आखिर हो भी क्यों ना, इस सीरीज का इतिहास भी तो कुछ ऐसा है। हालांकि हम 20वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, मगर इस सीरीज में इस्तेमाल होने वाले ट्रॉफी के अंदर मौजूद राख ने काफी कहानियों को हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए संजो कर रखा है। उन कहानियों में नफरत से लेकर मोहब्बत तक की दास्तान मौजूद है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एशेज ट्रॉफी की शुरुआत और इसके नाम के पीछे की कहानी के पहले अध्याय का प्रारंभ होता है 1882 के अगस्त महीने में, जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की धरती पर मैच खेलने आई थी और ओवल के ग्राउंड में इंग्लैंड को 7 रनों की हार का सामना करना पड़ा था। ये हार इंग्लैंड को बहुत चुभी। आखिर चुभे भी क्यों ना, इस मैच से पहले इन दोनों देशों का इतिहास भी कुछ अद्भुत था। अंग्रेजों ने भारत के तरह ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा किया था, मगर यह कब्जा थोड़ा अलग था। दरअसल बात यह है कि ब्रिटिश राजाओं का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया धरती का नर्क है और कैदियों के सजा काटने के लिए ऑस्ट्रेलिया से अच्छी जगह और कोई नहीं है। इसलिए अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया का प्रयोग एक जेल के रूप में करते थे, जहां वो अपने देश के खूंखार कैदियों को रखते थे। मैच से पहले एक मीडिया रिपोर्ट ने यह तक अखबार में छाप दिया था कि ऑस्ट्रेलिया 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं 11 कैदियों के साथ मैदान में उतरी है। ऐसे बयानों के बाद भी इंग्लैंड की हार से चिढ़कर मैच के बाद स्पोर्टिंग टाइम्स ने जो लिखा, मानो उसने आग में घी का काम किया हो। स्पोर्टिंग टाइम्स ने लिखा कि इंग्लैंड क्रिकेट की मृत्यु हो गई है, शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा और राख को ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। बस इतना लिखना था और इंग्लिश जनता ने इंग्लैंड क्रिकेट का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने देशवासियों से यह वादा किया कि वे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और एशेज वापस लेकर आएंगे। इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, मगर हार के डर से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैच से पहले कई सारे फ्रेंडली मैचेस खेले। ऐसा ही एक मैच रदरफोर्ड स्टेट में खेला जा रहा था। मैच खत्म होने के बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्रुप की एक महिला, जो ग्रुप के साथ लोक साहित्य के कारण साथ थी, उसने स्टंप से बेल को उठाया और जला दिया। फिर उसकी राख को अपने एक परफ्यूम की बोतल में भर दिया और वो बोतल इंग्लैंड कप्तान इवो ब्लाय को एक पार्टी के दौरान दे दिया। और मर्फी ने बोला, मैच तो आप जितने से रहे तो ये लीजिए राख से भरी बोतल और इंग्लैंड जाकर अपने देशवासियों बोल दीजिएगा कि आप एशेज ले आए। ये सुनने के बाद कप्तान ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोतल लिया और पॉकेट में डाल दिया और धन्यवाद बोल दिया। इसके बाद मैच में इंग्लैंड जीत जाती है और इंग्लैंड अपने देश जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड कप्तान इवो ब्लाय उस परफ्यूम की बोतल को दिखाकर कहते हैं, हम एशेज ले आए हैं। जिसके बाद इवो ब्लाय एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इस बार इरादा न क्रिकेट का था और न ही बदले का, इस बार इरादा प्यार का था। वो ऑस्ट्रेलिया जाकर फ्लोरेंस मर्फी से अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उन दोनों की 55 वर्ष की शादी शुदा जिंदगी के बाद मर्फी मर जाती है। वो परफ्यूम को बॉटल, जिसको इंग्लिश कप्तान इवो ने अपने घर में सजा कर रखा था, उसे वो मर्फी के मरने के बाद एमसीजी को दे देते हैं। 1990 में दोनों देश इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया फैसला करती है को वो हर 2 साल में एक टेस्ट सीरीज खेलेगी। ये सीरीज कोई और नहीं एशेज थी, जिसमें ट्रॉफी के स्थान पर उसी परफ्यूम की बॉटल को रखा जाता था। और तब से लेकर आज तक ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में एकाधिकार जमा कर रखा है। ऑस्ट्रेलियंस के लिए वर्ल्ड कप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एशेज है। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शायद अपने पूर्वजों का बदला लेती है, जिनको अंग्रेजों ने अपने देश में रहने लायक नहीं समझा था। आज बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्रिकेट के ऐसे ही खट्टी मीठी घटनाओं के लिए नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।